ऑफिस में पार्लर में नहीं। कहाँ से साउंड लगा बाहर कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। जो भी जिस कला में हर आदमी के पास कुछ ना कुछ तो आपको बोलना अच्छा था, किसी को लिखना अच्छा था हुआ, प्लीज आप इस विधा में बहुत सारी चीजें हैं। आप राइटर अच्छे हो सकते हो, सिंगर अच्छे हो सकते हो, कोरियोग्राफी कर सकते हो, एक्टिंग कर सकते हो, डायरेक्शन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप लोगों को आजमाना चाहिए। कम से कम थिएटर एक सबसे पहली शुरुआत है जहाँ आप बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोगों ने वैसे एक शुरुआत की है, छोटा सा प्ले तैयार किया, उसी का एक अंश है, बहुत छोटा सा अंश है। अपना जो काम करते हो वो सभी लोग फ्रीलांसिंग एक्टर हैं। आप काम करते हो, बर्थडे लेते हो चले तो उसके बाद आपका क्या होता है, आप 9:30 बजे साइन करके निकल जाते हो और आपका क्या होता है किसी को नहीं पता। प्रोडक्शन ऑफिस को किसी को मतलब नहीं, आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप उनका समझते हैं। तो अगर आप सब सह रहे हैं आपकी इजाजत हो तो मैं बस ये 15 मिनट में छोटा सा अच्छा देख तमाशा ओ जैसी करनी वैसी भरनी, 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 ओ जैसी करनी वैसी भरनी। आइए देखते हैं। भैया गरीबी और मौत, इन दोनों में तो मौतें भली, क्योंकि गरीबी है तो वो है जिंदा मौत, सुख की सौ। बचपन से ईमान के गरीब सच्चाई की मिट्टी ढोढो कर घर लाता था और समय के चाक पे सपनों के नकाशीदार बर्तन बनाता था, पर मिला क्या, दो जून की रोटी की खींचदान से कभी इतनी फुर्सत न मिली कि सावन की फुहार में कजरी की तान छेड़ सकूं। लम्बी का आदमी मिट्टी में जन्म, मिट्टी में पल कर बड़ा, मिट्टी का खाता हूँ, एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, जीवन में रत्ती भर सुख नहीं भोगा हमने, इस फटे मुंह से कभी ईश्वर का नाम नहीं। धिक्कार धिक्कार ऐसी जिंदगी की। बीवी से कहता हूँ खाना दे तो कहती है पहले गधे हाकेला और फिर खाना। भैया मुझसे ज्यादा वो गधों का ख्याल करती है, तब तक बच्चे नहीं हुए थे, हाथ में थी बीवी की लगाम, पर भैया बन गया हूँ मैं चोरों का गुलाम। मिट्टी ढो गधे हाँ, बस यही काम रह गया है जिंदगी में। अरे साला गधा कहीं का है, उधर गंगी लातों से मिट्टी रौद रही होगी। अरे नहीं जी लाडली। लाडली कौन, मेरी मियां साली। साली नहीं जी, घर वाली। अच्छा अच्छा गंगी। हाँ मेरे जीवन संगी, जल्दी से गधे हाक कर ले आओ, मटके कब से तैयार धरे हैं। जी तो करता है किसी मंदिर में जाके धुनी रमाल, वो कहते हैं ना भैया कबीरा संगति साधु की, धरती पर स्वर्गवास, करना धरना कुछ नहीं माल चरो दिन रात, सज्जन से सज्जन मिले तो हो गई दो दागबा, गधे से गधा मिला तो खा गए दो दोला। अरे ये सामने से कौन बाबा, जून पधारा फिर नहीं बारह मार मिले, नारायण नारायण। जय सीताराम बाबा, आप कौन गाँव के हो। कदम कदम पर मेरा गांव मेरा देश है बच्चा। मेरा गांव मेरा देश, अब धर्मेंद्र और विनोद खन्ना वाली पुरानी फिल्म क्या बाबा। अरे नाना बच्चा, वासुदेव कुटुंबकम, ये पूरा जगत ही मेरा घर है बच्चा। हा हा हा, मुफ्त खान पान का ग्लैमरस दर्शन। भाइयों आज सुबह ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान किसी भले आदमी के दर्शन देना, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली है। ए बाबा मैं तेरे पैर नहीं छोड़ूंगा। पर बच्चा तू पैर पकड़ कर क्या करेगा, उठा के पुरक दूंगा। ए चल पर हट। अरे बाप रे, ए बाबा तेरे बच्चे नहीं है क्या। नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ। ब्रह्मचारी? कांग्रेस वाला धीरेंद्र ब्रह्मचारी है? नहीं बच्चा मैंने शादी नहीं की। शादी नहीं की? नहीं। तो तुझे ध्यान नहीं आता किसका शादी? नहीं नहीं
ईश्वर का नाम लेता हूँ और मैं मजे से सो जाता हूँ। ए बाबा तुझे नींद आती है क्या? अरे बड़े चैन की आती है, ईश्वर का नाम ले ले बड़े चैन की नींद आती है। बच्चा ईश्वर का नाम है या कि नींद की गोली? देख साधु संतों से ना कर तू छुटोली। ए बाबा पर तूने शादी क्यों नहीं की? फिर वही सवाल, तुझे कोई लड़की नहीं देता क्या? सवाल लड़की का नहीं है तो तेरे पास गोरू पालने के। लेकिन तू वहाँ कैसे जा सकता मनुष्य? क्यों तेरी मोनोपोली है क्या? मोनोपोली की बात नहीं, लेकिन तू जाएगा कैसे वहाँ? कुछ भी कर मुझे अपना शिष्य बना ले बाबा, शिष्य बनाने पर मुझे ले चल। अरे लेकिन देख भाई तू कैसे जा सकता वहाँ? जैसे तुम चले जाओगे वैसे मैं चला जाऊंगा। देख मैं तो धेनु की पूछ पकड़ करके वो भाव सागर पार कर जाऊंगा। जो जितना बड़ा अवधेदार होता है उतना ही लेट आता है। ये इधर का पार्लियामेंट हाउस है? नहीं नहीं ये इंद्र सभा है। तू शांति रख यहाँ, शांति। तू इधर का एमपी है क्या बाबा? तू तो ऐसे ही समझ ले, पर यहाँ चुपचाप रह, शांति रख। प्रभु पधारे हैं। और कल्लू भी आया है। चुप। प्रणाम प्रभु, गुरुदेव पधारे हैं। तूने बाहर क्यों रोका? सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा प्रभु। पधारिए महाराज। चपरासी कहीं का ज्यादा बोला ना दांत तोड़ दूंगा। महाराज ये बाहर क्या गड़बड़ी मची है? अरे मैं भूल गया बताना, वो पृथ्वी लोक से तुम्हारा एक गुरु भाई आया है, मतलब मेरा शिष्य है। तो उन्हें अंदर आने की अनुमति? तुझे अंदर जाने की अनुमति है? कौन सी मति है? मति भ्रष्ट, अंदर जा। राम राम भाइयों। मैंने कहा जी राम राम। ये देवता है या साले मिनिस्टर? अरे ओ निकम्मो, इतने सालों से कुर्सियों से चिपके बैठोगे? कम उठ। गुरुदेव कौन है ये विचित्र मानव? मैंने इसी के बारे में बताया, यही है आपका गुरु भाई। अहोभाग अहोभाग भैया, आओ मेरे सीने से लग जाओ। हाय दादा दादा दादा, मैं ऐसे गंदे शौक नहीं पालता है। अबे मूर्ख, भगवान तुझे प्रेम से गले लगाना चाहते हैं। पर बाबा मैं ईद और होली के सिवा कभी गले नहीं मिलता।